ढोल डे आला मैं को घिन आए क्यों बने गाला मेरे आवे माया हो कोई विकर्ण मलोकाया। प्रोग्राम एंकर सुमैरा मिर्जा इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान बैठकर उन्होंने खान साहब को ये गाना डेडिकेट किया और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। ये मुझे पता था कि चीज चलेगी लेकिन इतनी चलेगी ये नहीं पता था। ट्रांसमिशन जो है वो धड़ाधड़ चल रही है और उसके बीच में आप एक गाना गा रही हैं वो भी इमरान खान के लिए और वो वायरल हो गया। जो एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं ना उसमें तो किसी भी वक्त कुछ भी चल जाता है लेकिन जो न्यूज चैनल्स होते हैं इनका अपना एक ऑरा होता है और इनका अपना एक एनवायरनमेंट होता है तो उसमें आप इस तरह का कुछ कर नहीं सकते जब तक आपकी स्पेसिफिक प्लानिंग ना हो। तो बैठे बैठे हम लोगों ने ये कहा कि सारा दिन एक स्ट्रिक्ट माहौल होता है कि जी फलां पार्टी को दीवार से लगा दिया, फलां के कागजात छीन लिए, ये हो गया वो हो गया, पार्टी का नाम नहीं रहा, फलां पार्टी जो उसके अच्छे जलसे हैं, फलां जो उसको जलसे नहीं करने दिए जा रहे। तो ये सारा एक बड़ा उस वक्त स्टिफनेस होती है, बड़ा एक सख्त माहौल चल रहा होता है। तो फिर उसमें हम लोगों ने सोचा क्योंकि एंडिंग आवर्स चल रहे थे 10 और 11 का रात का टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसको थोड़ा सा लाइटर नोट पे ले जाया जाए। और एवरीबडी नोज हेयर कि मैं सराइकी जो है वो थोड़ा अच्छा निभा लेती हूँ तो फिर उन्होंने कहा कि आप सराइकी कोई भी सॉन्ग जो हो उसको हम इस तरह से फिट करते हैं कि वो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके ऊपर फिट बैठ जाए। अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि इतने संगीन हालात चल रहे थे इलेक्शंस के और जिस तरह से फिर इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो गए और उसके बाद ऐसे में आपने बड़ा मजे का गाना गा के जो अपने देखने वाले का मूड भी फ्रेश कर दिया आपने। बस वजह यही थी ना कि उन दिनों सब लोग जो स्पेशली जो पीटीआई के फॉलोअर्स वोटर सपोर्टर थे वो सब लोग यही बात कर रहे थे ना कि पीटीआई को क्यों आप दीवार से लगा रहे हैं, खान साहब जेल में हैं, उनको नाअहल कर दिया हुआ है, वो सब लोग बड़े मायूस थे एक बात। और दूसरी बात ये कि इस तरह की पैरोडी सॉन्ग्स और इस तरह की चीज़ें ना पहले भी टेलर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम लोग करते रहते हैं। बेसिकली ये अताउल्लाह साहब का सॉन्ग है और ये बहुत पुराना सॉन्ग है तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा बनाया था गुलेनुखेज़। इसको बनाया भी आपने लिरिक्स आपके थे? नहीं, मेरे नहीं थे, गुलेनुखेज़ अख्तर बहुत बड़े राइटर हैं, वो बहुत मिजानगार हैं, ये उनका लिखा हुआ है और इससे पहले भी जितने पैरोडी मिमिक्री सॉन्ग्स हैं ना वो भी उन्हीं के लिखे हुए। मैं थे ते ढोल डे आला मैं को घिन आए क्यों बने गाला मेरे आवे माया हो कोई विकण मलोकाया इंज बर्बाद की तयो में कुडे खण लोकाया। अच्छा सुमैरा, आपके इस गाने की वजह से ना बहुत सारे लोगों की तरफ भी तवज्जो चले गई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त एक दूसरे से जुदा है, उनकी अपनी अपनी क्या कैफियत है। एग्जैक्टली इसी सिचुएशन को हम लोग इस सॉन्ग में लेके आए थे कि सजा तो दोनों को एक जैसी हुई है, ठीक है, और इससे पहले अगर हम ये कहें कि वो खातून है इसलिए उनको सब जेल, तो इससे पहले मरियम की मिसाल हमारे सामने है, मरियम नवाज ने भी जेल काटी है और बड़ी बड़ी फिर यास्मीन राशिद डॉक्टर वो हालांकि एजिड भी हैं और बीमार भी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया कि जब वो सब लोग जेल में हैं। और एक बात और दूसरी बात ये कि जाहिर है इन लोगों की मिसालें दी जाती हैं कि एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, खास साहब बुशरा बीबी की बहुत केयर करते हैं, स्पेशली जब वो आती हैं कोई भी पेशी में तो उनके पर्दे का ख्याल रखना, उनकी इज्जत का ख्याल रखना, मीन्स कि ये है कि उनको एक मौका मिला था इकट्ठे रहने का लेकिन वो उन्होंने गंवा दिया। तो उसको फिर हम लोगों ने कहा कि मेरा ढोल तो उधर है और मैं इधर की हूँ, सजा तो दोनों को एक जैसी हुई हुई है। खान साहब से कभी मुलाकात का इत्तेफाक हुआ आपका? हाँ जी, मैंने उनके प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं अक्सर, लाइक ये जो इवेंट्स होते हैं ना डिफरेंट सिटीज में तो वो मैंने होस्टिंग की हुई है उनके प्रोग्राम्स तो की, बुशरा बीबी के प्रोग्राम की होस्टिंग मैंने की हुई है, उनसे भी मेरी मुलाकात है। ओके, मतलब दोनों से आपकी मुलाकात? दोनों से मुलाकात है मेरी, बिल्कुल, प्रोग्राम्स मैंने होस्ट किए हैं। टिकटॉक पे मैं इतनी नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, लेकिन जब सॉन्ग मेरे थोड़ा सा निकलना शुरू हुए तो फिर क्योंकि मेरा अपना भी एक सेटअप है तो सब ने कहा कि आप जो है ना टिकटॉक पे आ जाए। मैंने कहा यार मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बच्चों का काम है और मेरी उम्र नहीं है टिकटॉक पे आने की, तो एवरीबडी सेज सेट दैट कि नहीं आपको आना चाहिए। तो फिर मैंने टिकटॉक के ऊपर भी जाहिर वो सॉन्ग लगा रही हूँ तो इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आप बिलीव मी, मैं जहाँ भी इंटरव्यू दे रही हूँ मैं उन सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ और उनको मैं ये बता रही हूँ कि मैं यहाँ से बिल्कुल फ्री होकर जाके जितना भी मुझे टाइम लगे 800-900 कमेंट्स और सजेशन मैसेजेस आए होते हैं मैं सब पढ़ के सोती हूँ। खान साहब के लिए गाना गाने की यही वजह तो नहीं थी कि आप एक बार फिर से वायरल हो जाए? नहीं, मेरी मैं आपको कह रही हूँ इससे पहले भी जितने भी मेरे सॉन्ग हुए ना बिलीव मी उसमें मैंने बिल्कुल भी इसलिए नहीं गाया कि मैं वायरल हो जाऊंगी, ये मुझे पता था
कि क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इस वक्त, इलेक्शन के टाइम चल रहा है, लोग जो हैं वो देख रहे हैं, टेलीविजन भी देख रहे हैं, और स्पेशली खान साहब के जो वोटर सपोर्टर हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उन दिनों में नाउमीद भी थे और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा थे. ये मुझे पता था कि चीज़ चलेगी, लेकिन इतनी चलेगी ये नहीं पता था. तो महंगाई के हवाले से भी आपका एक गाना वायरल चल रहा था. हाँ, महंगाई के हवाले से भी जब पीडीएम का दौर था ना, मतलब 16 मंथ्स की जो आई थी, क्योंकि वो महंगाई ख़त्म करने का नारा लेकर आए थे, तो उनके दौर में महंगाई जो है वो तो आसमानों पे चढ़ गई, तो वो उलट हो गया था. महंगाई के हवाले से फिर दो गाने. छल्ला सारी कमाई बिजली दे बिल ने मुकाई, लोकी दें दे दुहाई, बद गई है नी मंगाई. अच्छा, आपके ज्यादातर गाने सराइकी में ही होते हैं, मैंने सुने हैं जितने भी, तो आप खुद भी सराइकी हैं? नहीं, मैं सराइकी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक जो है वो सराइकी बेल्ट से है, विहाड़ी से मेरा ताल्लुक है, बुरे वाला विहाड़ी मुल्तान. पहला गाना जो आपने गाया था वो भी ये सराइकी था, एक फुल मोतिया था, आई थिंक उसी से आपको सबसे ज्यादा शोहरत मिली, वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था. सबसे पहले वायरल वही हुआ था, और वो भी 4 साल बाद वायरल हुआ था, लाइक जब मैंने गाया था उसके 4 साल बाद वायरल हुआ था. तेरे नैन वो तेरे नैन पसंद, पर बड़े अफसोस दी गाल सही, वो ते कु गैर पसंद, सड़े वैर पसंद, नीमी आंदा एक एक बाल पसंद, बाजार विकां दी लोई, तेरे बाज नदर दी कोई, वे एक फुल मोतिये दमार के जगा सोनिए.